तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 फरवरी के करंट अफेयर को। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो क्वेश्चन है कि 77th बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2023 में जो है ये किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। ओपनहाइमर, द बॉयज एंड द हीरोन, पुअर थिंग्स या फिर द जॉन ऑफ इंटरस्ट। ओपनहाइमर, द बॉय एंड द हीरोन, पुअर थिंग्स या फिर द जॉन ऑफ इंटरेस्ट, इनमें से किसने जो है, किस फिल्म ने जो है ये बाफ्टा 77 बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर के, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, ओपनहाइमर। तो किस मूवी ने जीता है? तो ओपनहाइमर मूवी ने। तो ओपनहाइमर मूवी ने जो है ये जीता है बाफ्टा अवार्ड 2023 यानी ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2023 को जीता। किस मूवी ने जीता है? तो ओपनहाइमर मूवी ने जो है ये अवार्ड जो है जीता है। अगर हम बात करें कि इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, अगर इसमें बात करते हैं कि कहाँ पर जो है ये 77th बाफ्टा अवार्ड 2023 का आयोजन जो है वो किया गया था। अवार्ड 2023 के हैं बट इसका आयोजन जो इस साल किया गया था और कहाँ पर किया गया था, अगर हम बात करें तो इनका जो आयोजन जो है वो 18 फरवरी यानी 18 फरवरी को, 18 फरवरी 2024 को, 2024 को रॉयल रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में आयोजन, लंदन में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर इसका आयोजन किया गया था और कब किया गया था? तो 18 फरवरी 2024 को जो है ये रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में जो इसका आयोजन किया गया था। अब 77 बाफ्टा अवार्ड का, और किस मूवी को प्रदान किया गया बेस्ट मूवी का अवार्ड? तो ये ओपनहाइमर मूवी को जो है प्रदान किया गया है। बीस फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को किस राज्य का जो है ये स्थापना दिवस मनाया जाता है? गोवा, बिहार, मिजोरम, पंजाब। गोवा, बिहार, मिजोरम या फिर पंजाब, इनमें से जो है किस राज्य का जो है ये 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर के, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। तो किस राज्य का? तो मिजोरम राज्य का। तो मिजोरम का। सॉरी, तो मिजोरम राज्य का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को स्थापना दिवस का मनाया जाता है। अगर हम डिस्कशन करें इसके और फैक्ट्स पे, तो 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी 1987 को यानी 20th February 1987 को जो है सेवन को 53rd यानी 53वें संविधान से जो है 53वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मिजोरम को भारत का तेईसवां पूर्ण राज्य जो है बनाया गया, तो मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, और 20 फरवरी 1987 को जो है 53वें यानी 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है मिजोरम को भारत का जो है ये 23वां पूर्ण राज्य जो है बनाया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, मिजोरम। और अभी हाल ही में मिजोरम के भी इलेक्शन हुए थे जिसमें जो है लाल दुहोमा जो है वो मिजोरम के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। बेंगलुरु
ओपन एटीपी चैलेंजर में मैंस डबल का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर, यानी ये जो है टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है, तो मैंस डबल का खिताब जो है वो किसने जीता है? ऑप्शन है सुमित नागल और रोहन बोपन्ना, साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन, महेश भूपति और सुमित नागल, या सुमित नागल और साकेत माइनेनी। बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर में मैंस डबल का खिताब जो है वो इनमें से किसने जीता है? सुमित नागल और रोहन बोपन्ना, साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन, महेश भूपति और सुमित नागल, सुमित नागल और साकेत माइनेनी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें राइट आंसर, किस क्वेश्चन का राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर टू, साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन। किसने जीता है? साकेत माइनेनी, साकेत माइनेनी, साकेत माइनेनी, माइनेनी और रामकुमार, और जो है रामकुमार, रामकुमार रामनाथन ने, रामनाथन ने जो है ये जीता है बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर में मेंस डबल का खिताब इन्होंने जीता है। ये जो है ये भारतीय जो है भारतीय जोड़ी है, रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी। अगर हम बात करें मैन सिंगल का, ये तो बात की मैन डबल की, अगर हम बात करें मैन सिंगल का खिताब किसने जीता है, अगर उस पर बात करते हैं, क्वेश्चन वैसे है कि मैन डबल का तो ये जीता है साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने जीता है। और बात करें अगर हम मैन सिंगल की, तो इसे जीता है स्टिफेनो नेपोलिटानो, स्टेफेनो नेपोलिटानो। तो स्टिफेनो नेपोलिटानो ने नेपोलिटानो ने जो है जीता है, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इटली के खिलाड़ी हैं। स्टिफेनो स्टिफेनो नेपोलिटानो ने जो है जीता है मैन सिंगल का खिताब, और डबल का जो मैन्स डबल का जीता है साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने जो है जीता है। अगर हम बात करें बेंगलुरु ओपन की, अगर हम बात करें बेंगलुरु ओपन की, बेंगलुरु ओपन की अगर हम बात करते हैं, तो बेंगलुरु ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बेंगलुरु ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर जो है ये खेला जाता है, खेला जाता है। बेंगलुरु ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो 2015 में, 2015 में जो है इसकी शुरुआत हुई है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत जो 2015 में हुई है, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में जस्टिस निलय विपिन चंद्र अंजारिया को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हाल ही में जस्टिस निलय विपिन चंद्र अंजारिया को किस राज्य का जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, इनमें से जो है ये किस राज्य के हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जस्टिस निलय विपिन चंद्र अंजारिया को? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर, किस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर फोर, कर्नाटक। तो कौन से राज्य का मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है? तो कर्नाटक राज्य का, तो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो है इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है। बात है कर्नाटक की कैपिटल की, तो कर्नाटक कैपिटल जो है ये है बेंगलुरु। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जो है हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं निलय विपिन चंद्र अंजारिया जो है बनाए गए हैं। इनके साथ ही जो है और कुछ एक हाई कोर्ट के भी जो है वो जजों की जो है बदला बदली की गई है। अगर हम बात करें अन्य की बात करें अगर हम बात करें अन्य नियुक्तियों की, तो अन्य नियुक्तियों की अगर हम बात करते हैं, अन्य नियुक्तियों की अगर हम बात करें, अन्य नियुक्तियों की, अन्य नियुक्तियों, नॉट नियुक्तियों, अन्य नियुक्तियों की बात करें, बात करें अन्य नियुक्तियां, तो अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट, अगर हम बात करें इलाहाबाद, यानी अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों की हम बात करें यहां पर, अन्य मुख्य न्यायाधीशों की, यानी अभी नए जिनको नियुक्त किया गया, तो इलाहाबाद, अगर हम बात करें इलाहाबाद की,
बास्केट इलाहाबाद, अगर हम बात करें इलाहाबाद की, इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो है जो बना अभी हाल ही में जो बनाए गए हैं, तो जस्टिस अरुण भंसाली, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनियुक्त जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम है जस्टिस अरुण भंसाली। अगर हम बात करें और गुवाहाटी हाई कोर्ट यानी ये असम में स्थित है, इसके बनाए गए हैं जस्टिस जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस विजय बिश्नोई। ये जो है नई नियुक्तियां जो है ये की गई हैं। बात करते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट की, उड़ीसा हाई कोर्ट के जो है ये बनाए गए हैं जस्टिस जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, चक्रधारी शरण सिंह। और मेघालय की अगर हम बात करें, यानी इन राज्यों के जो है ये इन राज्यों में जो है नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, उनका नाम है जस्टिस जस्टिस एस वैद्यनाथ, जस्टिस एस वैद्यनाथन। तो कर्नाटक का बनाया गया है बिपिन चंद्र अंजारिया को, उनके साथ ही अन्य मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई है अन्य राज्यों के। अगर बात करें यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, वहां पर अरुण भंसाली को बनाया गया मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी यानी असम का विजय बिश्नोई, ओडिशा हाई कोर्ट चक्रधारी शरण सिंह, मेघालय जस्टिस एस वैद्यनाथ को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई। हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में से कहाँ पर जो है किया गया 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। तो कहां पर किया गया? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है ये आयोजन किया गया 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का, और चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की जो है ये राजधानी है चंडीगढ़, जहां पर जो है आयोजन किया गया था 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का। हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता? इगा स्विटेक, एलिना रायबकीना, आरिना सबालिंका, कोको गॉफ। इगा स्विटेक, एलिना रायबकीना, आरिना सबालिंका, कोको गॉफ, इनमें से किसने जीता है कतर ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इगा स्विटेक। किसने जीता है? इगा स्विटेक ने, इगा स्वेटेक ने जीता है कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को जीता है। अगर हम बात करें तो ये जो ये पोलैंड की खिलाड़ी है, तो ये कौन से देश से बिलोंग करती है? तो ये जो है ये पोलैंड की जो है ये टेनिस प्लेयर है, यानी ये टेनिस प्लेयर है इगा स्वेटेक, और ये पोलैंड की एक खिलाड़ी है, और उन्होंने लगातार ये इन्होंने जो है लगातार तीसरी बार जीता है कतर ओपन, लगातार तीसरी बार जो है ये चैंपियन बनी है कतर ओपन की, लगातार तीसरी बार जो इन्होंने जीता है इगा स्वीटेक ने जो है जीता है इस टेनिस टूर्नामेंट को। अगर हम बात करें इसके साथ ही, अगर हम बात करें तो यही जो है इगा स्वीटेक जो है ये वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन वुमेन टेनिस प्लेयर भी है, वुमेन टेनिस प्लेयर है। तो इगा स्वीटेक ने जीता है कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को जीता है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? पोलैंड की ये टेनिस प्लेयर है, इन्होंने लगातार तीसरी बार जो है इसे जीता है, और ये वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर भी है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक कितनी है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक यानी पहली तिमाही में भारत की रैंकिंग जो कितनी है? 19, 95, 85, 80, 19,
95, 85 या 80, यानी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंकिंग जो है इनमें से कितनी है? 19, 95, 85, 80। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 85। तो भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है ये 50वीं रैंक है, 85th। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 85th रैंकिंग है। और भारत जो है इस बार जो है दो यानी पांच पायदान नीचे खिसक गया है। यह 2024 की रैंकिंग। अगर हम बात करें 2023 में, 2023 में भारत, 2023 में भारत, भारत जो है भारत 80वें स्थान पर था, 80वें स्थान पर। यानी इस बार जो है भारत को जो है वो पांच पायदान का नुकसान हुआ है, भारत पांच पायदान नीचे खिसक गया है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंकिंग है वो 85th जो है, ये भारत की रैंकिंग है। अब बात करते हैं यानी सबसे पावरफुल पासपोर्ट से, अगर हम बात करें कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में यानी पहले स्थान पर जो है वो कौन सा, अगर हम बात करें भारत जो 85th नंबर पर है। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक की, अगर बात करें भारत की रैंकिंग कितनी है, 85th भारत की रैंकिंग है, 85th रैंक है भारत की। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक की, तो इसमें जो है एक कोई एक नहीं चार पांच देश हैं जो पहले स्थान पर है, जिनमें जापान, जापान, सिंगापुर, जापान, सिंगापुर, स्पेन, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। यानी इन सभी देशों का जो पासपोर्ट है वो जो है वो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। यानी ये देश जो है ये कलेक्टिव बनी, जैसे सभी देश जो है ये पहले स्थान पर हैं। यानी इन सभी देशों का पासपोर्ट जो है सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। और भारत कौन से रैंक पर है? 85th नंबर पर है। लास्ट ईयर 2023 में भारत की रैंक जो है वो कौन थी? 80वीं, यानी 80th भारत की रैंक थी, लेकिन इस बार भारत को पांच पायदान का जो है वो नुकसान हुआ है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट यानी उपग्रह जो है कौन लॉन्च करेगा? नासा एंड जाक्सा, इसरो एंड नासा, इसरो एंड जाक्सा, नासा एंड सीएनएसए। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन कौन लॉन्च करेगा? यानी अब तक जो है किसी भी देश ने या किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ने जो है लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है। तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो है वो कौन लॉन्च करने जा रहा है? नासा एंड जाक्सा, इसरो एंड नासा, इसरो एंड जाक्सा या नासा एंड सीएनएसए। इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें आंसर, किस क्वेश्चन का राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, नासा एंड जाक्सा। तो किसके द्वारा जो है ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? तो नासा और जाक्सा के द्वारा। तो किसके द्वारा? नासा एंड जाक्सा के द्वारा। नासा एंड जाक्सा के द्वारा जो है, नासा एंड जाक्सा के द्वारा जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जो लकड़ी का सैटेलाइट होगा, दुनिया का ये पहला ऐसा सैटेलाइट होगा। अगर हम बात करें तो यानी यह सैटेलाइट जो है ये लकड़ी से बनाया जाएगा, यह सैटेलाइट जो है ये मैग्नोलिया, यह सैटेलाइट मैग्नोलिया, मैग्नोलिया लकड़ी से बना है। यह सैटेलाइट जो है ये मैग्नोलिया, मैग्नोलिया लकड़ी से बना है, लकड़ी से बना है, लकड़ी से बना है। अगर हम बात करें इसके नाम की, अगर हम बात करें सैटेलाइट के नाम की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो नाम है ये है लिग्नोसेट प्रॉब। तो इसका नाम क्या है? अगर हम बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम है लिग्नोसेट, लिग्नोसेट प्रॉब। और ये सैटेलाइट जो है बायोडिग्रेडेबल है, यह सैटेलाइट यानी ये जो चल जाएगा, ये सैटेलाइट जो है, यह सैटेलाइट जो है, यह सैटेलाइट बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है ये सैटेलाइट। कैसा है? ये बायोडिग्रेडेबल है आपका। और इसको किसके द्वारा? नासा और जाक्सा के द्वारा इसको जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं नासा की, यानी नासा की बात करें तो नासा जो है ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की। और बात करें अगर हम जाक्सा की, तो जाक्सा स्पेस एजेंसी है, नासा है यूएसए की और जाक्सा है जापान की। जाक्सा जो है
ये जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, स्पेस एजेंसी का नाम है। अगर हम बात करें नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। अगर हम बात करें दोनों के नाम की, नासा मींस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जाक्सा की जापान जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो इसका नाम है। और नासा की स्थापना हुई थी, नासा की जो स्थापना हुई 1958 में, और जाक्सा की स्थापना हुई 2003 में। अगर हम बात करें उनकी फुल फॉर्म की, बात करें अगर हम नासा की फुल फॉर्म की, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल 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 एरोनॉटिक्स नेशनल एरोनॉटिक्स 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 एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो हुई है ये हुई है 29 जुलाई 1958 में। और अगर हम बात करें जाक्सा की, अगर हम बात करें जाक्सा की, तो जाक्सा की फुल फॉर्म होती है जापान, जाक्सा की फुल फॉर्म होती है जापान एरोस्पेस, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इसकी अगर हम बात करें स्थापना की, अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2003 में, 2003 में। हाल ही में आईसीसी सॉरी आईसीआईसीआई आईसीसी नहीं सॉरी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के जो है एडिशनल डायरेक्टर जो है कौन बने हैं, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं, साइमा जावेद, प्रदीप कुमार सिन्हा, अजय बंगा, गैब्रियल अटाल। साइमा जावेद, प्रदीप कुमार सिन्हा, अजय बंगा, गैब्रियल अटाल, इनमें से कौन बने हैं आईसीआईसीआई बैंक के एडिशनल डायरेक्टर यानी अतिरिक्त निदेशक यानी स्वतंत्र जो बने हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह है प्रदीप कुमार सिन्हा। तो कौन बने हैं, प्रदीप कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार सिन्हा कौन बने हैं, तो प्रदीप कुमार सिन्हा जो है ये बने हैं, प्रदीप कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप कुमार सिन्हा जो है ये एडिशनल यानी अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक जो है ये बने हैं आईसीआईसीआई बैंक के, और ये अपने पद पर जो है 5 वर्षों तक जो है अपने पद पर ये रहेंगे। इसी द लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल की ऑल टाइम ग्रेट टीम का कैप्टन किसे चुना गया है, हाल ही में आईपीएल की ऑल टाइम ग्रेट टीम का कैप्टन किसे चुना गया है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। तो किसको जो है वो बनाया गया है आईपीएल की ऑल टाइम ग्रेट टीम का कैप्टन, उनका नाम है एमएस धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है बनाया गया है आईपीएल की ऑल टाइम ग्रेट टीम का कैप्टन। ये जो है ये सीएसके के कप्तान है, सीएसके टीम के कप्तान है, सीएसके टीम के ये जो कैप्टन है, और इन्हें जो है ये आईपीएल की ऑल टाइम ग्रेट टीम का जो इनको कप्तान जो है बनाया गया है, और इनकी कप्तानी में जो है सीएसके और इनकी कप्तानी में जो है सीएसके ने जो 5 टाइटल जीते हैं, 5 टाइटल जीते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने फाइनल जो है वो खेला है 14, सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीम भी आपकी जो है वो सीएसके ही है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है ये फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन है, फॉर्मर फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन है, टीम कैप्टन, और ये भारत भारत के सबसे सफल कप्तान है, यानी ये विश्व के एकमात्र यानी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने जो है ये तीनों फॉर्मेट के जिन्होंने जो है वो टाइटल जीते हैं, यानी इन्होंने जो है 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 और वनडे नेशनल वर्ल्ड कप, और 2013 में इन्होंने जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी भारत को अपनी कप्तानी में दिलाई है, और ऐसा करने वाले ये विश्व के एकमात्र कप्तान है। तो ये था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो
वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।